हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? सब कोई अच्छे होंगे। तो चलिए, डिजिटल आईटी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या है? स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस। तो यह किसी जॉब में जो फिट्स पार्ट होता है, यानी किसी जॉब को अगर नट बोल्ट के जरिए अगर हम फिट करते हैं और उसे खोलने या कसने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम स्पैनर या स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर क्या है? जो पार्ट्स में स्क्रू के जरिए फिट किया रहता है, यानी स्क्रू का जो नट बोल्ट होता है, उसे खोलने या कसने के लिए सबसे ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग होता है। चाहे आपका छोटा छोटा पार्ट्स घर ही हो, मोबाइल हो, या जो भी हो, ऐसा कुछ भी पार्ट्स है जिसको स्क्रू लगा हो और वो स्क्रू की खोलने की जब जरूरत पड़ती है, तब हमें स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर का वर्क। स्क्रू ड्राइवर का वर्क है किसी पार्ट्स में लगे हुए स्क्रू को खोलने या कसने के लिए। स्क्रू ड्राइवर मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्रू ड्राइवर मुख्य रूप से हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसमें प्लास्टिक या लकड़ी का एक मुठ्ठा लगा दिया जाता है, जिसे पकड़कर आसानी से खोला या कसा जा सके। अब बात करेंगे कि स्क्रू ड्राइवर के पार्ट्स। तो सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला स्क्रू ड्राइवर है। तो ये जो ऊपर वाला हत्था होता है, जिसमें हाई कार्बन के स्टील के द्वारा बनाए गए जो ब्लेड को हम लोग फिक्स करते हैं, उसे हम लोग हैंडल करते हैं। चाहे वो प्लास्टिक का हो सकता है या लकड़ी का भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बीच में जो ब्लेड, जो आपका स्टील का हाई कार्बन स्टील का जो ब्लेड होता है, उसे हम लोग साइन करते हैं। और नीचे जो थोड़ा सा चौड़ा त्रिकोण टाइप में बना होता है, उसका हम लोग ब्लेड करते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग टिप पॉइंट करते हैं। क्या कहते हैं? टिप पॉइंट करते हैं इसको हम लोग टिप पॉइंट करते हैं। तो ये हो गया आपका स्क्रू ड्राइवर का धातु पार्ट्स। और इसका जो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ये क्या है? स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ये जो है आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हर जगह किया जाता है, क्योंकि वो आपका 50 mm से लेकर 350 mm या 400 mm तक की लंबाई में आपका उपलब्ध होता है और आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ये है आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, यानी कि ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, जिसकी दो पार्ट जो होती है आपस में 90 डिग्री पे झुकी होती है, अपोजिट में, यानी कि 90 डिग्री पे झुकी होती है। यानी कि ये भी आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। ये जस्ट लाइक एलन की तरह होता है, लेकिन ये जो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, सबसे ज़्यादा प्रयोग वहाँ जहाँ पे कंजस्टेड एरिया है, जहाँ पे हमारा स्क्रू ड्राइवर लंबा तय है, वहाँ पर नहीं जा सकता है, वहाँ पे ये जो 90 मुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये जो 90 मुड़ा हुआ है, ये जो आपका 90 मुड़ा हुआ है, इसी को क्या करता है कि वहाँ जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई चक्का हो गया, या छोटे मोटे आपका घड़ी का चक्का हो गया, वहाँ के पीछे से बड़ा वाला घड़ी, उसका पीछे हम लोग बड़ा स्क्रू ड्राइवर वहाँ पर नहीं घुसा सकते, क्योंकि उसमें होल है, यानी कि खोखला है, उसमें जाकर खोलना है, तब हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अब बात कर ये होगा आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, दोनों भुजा इसकी जो होती है आपका 90 डिग्री पे झुका होता है। ये है आपका घड़ी साइज स्क्रू ड्राइवर। क्या ये घड़ी साइज स्क्रू ड्राइवर? इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग, घड़ी साइज स्क्रू ड्राइवर का सबसे ज़्यादा प्रयोग छोटे छोटे पार्ट्स पूजे, यानी कि घड़ी हो गया या फिर मोबाइल हो गया, इस प्रकार के छोटे छोटे पार्ट्स पूजे को खोलने या कसने के लिए घड़ी साइज स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग होता है। इसमें भी सेम आपका यही पार्ट्स होता है, ये आपका पूरा बॉडी हो जाता है, ठीक है, ये आपका ब्लेड हो जाता है और ये आपका टिप पॉइंट हो जाता है, ठीक है, और ये आपका पकड़ने वाला आपका उसमें हो जाता है। ये आपका घड़ी साइज स्क्रू ड्राइवर। अब बात करते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर क्या है? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो होता है, यह काफी मजबूत होता है। जी, इसमें लगाने के लिए क्या होता है,
ये चार मुंह वाला, यानी कि ये चार मुंह वाला होता है। ये क्या होता है, ये चार मुंह वाला ये स्क्रू ड्राइवर होता है। इसमें क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, इसमें फिट करते हैं चार मुंह वाला। चार मुंह वाला ये जो ब्लेड होता है, यानी जो पेच होता है, ये 6 साइज में मिलता है। कितना, 6 साइज, यानी कि टोटल 6 साइज में यह मिलता है। इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। इसका प्रयोग चाहे आपका छोटा स्क्रू हो या बड़ा स्क्रू हो, यानी 6 साइज तक के छोटे बड़े स्क्रू को खोलने के लिए आसानी से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका पेच हो गया, ये आपका चरमुहा टिप ग्राइंड हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। अब बात करते हैं हम मैगजीन स्क्रू ड्राइवर। मैगजीन स्क्रू ड्राइवर क्या है, ये आपका काफी इम्पोर्टेंट होता है। जो ये क्या होता है, इसमें चार ब्लेड होता है। ये जो आपका ब्लेड होता है, ये आपको चार प्रकार का ब्लेड होता है। ये जो होता है, ये आपको आसानी से लगा, ये चार प्रकार के इसमें ब्लेड लगा सकते हैं। यह आसानी से लगाकर हम लोग किसी नॉट किसी स्क्रू को खोलते या कसते हैं, तो यह काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। यानी कि इसमें स्लिप या उसका टिप पॉइंट घिसने या मुड़ने का चांसेस बहुत कम होता है। मैगजीन स्क्रू ड्राइवर में इसमें जो ब्लेड आता है, चार प्रकार का जो ब्लेड आता है, उसको लगाकर जब किसी स्क्रू ड्राइवर को खोलते या कसते हैं, तब उसमें मजबूती काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका टिप पॉइंट घिसने का चांसेस बहुत कम होता है, यानी जल्दी नहीं घिसता है, या काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। ये हो गया आपका मैगजीन स्क्रू ड्राइवर। इसका कैप है, जिसको हम लोग इसका हेड भी कह सकते हैं, यानी कि कैप हो गया। ये आपका हॉलो हैंडल होगा, ये आपका हॉलो हैंडल होगा, हॉलो हैंडल होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हॉलो हैंडल। ठीक है, हॉलो हैंडल हो गया। ये आपका कॉलेट हो गया, कॉलेट जिसके अंदर हम लोग पेच घुसेते हैं, वहाँ जाकर पकड़ता हुआ है। ये इसी को हम लोग इसी कॉलेट का ये जो माउथ है, इसमें जाकर ये पकड़ता है। ये आपका ब्लेड हो गया और नीचे आपका टिप पॉइंट हो गया, टिप पॉइंट हो गया। क्या हुआ, मैगजीन ये इसका प्रयोग है। अब बात करते हैं हम आपका रैचेट, रैचेट स्क्रू ड्राइवर। तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर जो होता है कि यह बार बार निकालने से बचाता है। रैचेट स्क्रू ड्राइवर जो है, यह ब्लेड को बार बार निकालने से बचाता है और यह आसानी से बार बार निकालने, यह आसानी से किसी भी ब्लेड को एक बार में आप अपने अंदर फिट कर लेगा और कोई भी नट हो, जो नट आपका स्क्रू वाला जो नट होगा, उसको खोलने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। ये क्या है, इसमें क्या है कि यह एक प्रकार एक कैप हो गया, इसका कैप हो गया। ठीक है, ये आपका जस्ट लाइक कोलेट हो गया, ये कोलेट हो गया, और इसमें फंसाने वाला ये क्या हो गया आपका लिंकिंग स्क्रू, यानी कि हम लोग लॉकिंग स्क्रू कहते हैं, जो उसमें जाकर लॉक हो जाता है उसे हम लोग लॉकिंग स्क्रू कहते हैं। ये हो गया आपका स्क्रू ड्राइवर से संबंधित आपका ये जो इतना स्क्रू ड्राइवर है आपका। ये जो चैप्टर है या आपका फिटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर, ये सारे ट्रेड जितने भी ITI के ट्रेड है, सब में पढ़ने वाला चीज़ है। इसलिए आपका रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए, एक बार अच्छा से देख लीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। और बाकी इसका जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हम एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले आपका सारा PDF प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव टाइप को आप वीडियो बनाकर डालेंगे। और बाकी हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।